नमस्कार दोस्तों, भारत में अब तक कोरोना वायरस के 250 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस रविवार को जनता कर्फ्यू का आदेश दिया है। ऐसे में हाल ही में मुंबई में हुई एक शादी में दूल्हा दुल्हन से लेकर पंडित, मेहमान और बाराती भी मास्क पहने हुए नजर आए। इस दौरान दूल्हा दुल्हन ने शादी की सभी रस्में, यहाँ तक कि सात फेरे भी मास्क पहन कर लिए। जानकारी दे दें कि ये शादी मुंबई के भांडुप इलाके में हुई। ऐसे में शादी में शामिल हुए दोनों पक्षों को लोगों ने एहतियात बरतने के लिए एक दूसरे से दूर से ही नमस्कार किया। खबर के मुताबिक पहले दूल्हा दुल्हन ने शादी की तारीख को आगे बढ़ाने की सोची, लेकिन फिर सभी सावधानी और मास्क पहनकर शादी करने का फैसला लिया। साथ ही कपल ने लोगों को कोरोना से एहतियात बरतने का संदेश भी दिया। परिवार वालों के अनुसार पहले शादी में 800 मेहमानों को न्योता दिया गया था, लेकिन फिर खास 100 लोग ही इसमें शामिल हुए। इस दौरान शादी में साफ सफाई का भी खास ख्याल रखा गया। बता दें कि कोरोना का सबसे ज़्यादा असर महाराष्ट्र में ही हुआ है। अब तक यहाँ 52 मामले सामने आ चुके हैं।